सेंटर में, सेंटर में इधर यस प्लीज हेलो सुशील सर, सेंटर सेंटर बात करते खड़े हो गए सेंटर जज भी कुश्ती को मतलब जो लोग हैं युवा हैं वो इतने ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पाते, जैसे क्रिकेट की तरफ ज्यादा लोगों का ध्यान रहता है, तो उसके लिए क्या ऐसा करना चाहिए ताकि जो छोटे बच्चे हैं उनको कुश्ती की तरफ ज्यादा ध्यान जाए? सबसे पहले सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं जी दंगल को धन्यवाद देना चाहूँगा, सीओ साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा और जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं रवि जी उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, फेडरेशन को धन्यवाद देना चाहूँगा। और एक ये शुरुआत हो गई है, आज आप को बच्चों को बुलाने की जरूरत नहीं है, आज बच्चे आपके सेंटरों में खुद आ रहे हैं। 15-15, 16-16 साल के बच्चे बच्चियाँ, मेरे ख्याल से 8-8 साल के भी बच्चे बच्चियाँ आजकल कुश्ती सीखने के लिए आ रहे हैं, तो वह एक शुरुआत हो गई है। और मैं मानता हूँ कि जिस तरीके से प्रो रेसलिंग लीग हुई है, जिस तरीके से अब ये जी दंगल होगा, इससे हमारी कुश्ती और बढ़ेगी और हमारे मेडल बढ़ेंगे। जिस तरीके से आज मैं कहूँ कि हमने, मैं जयप्रकाश परमान जी थे, सांसद साहब हमारे साथ में थे, कुलदीप कोच साहब वहाँ पे थे, हमारे देश को जब यूएसए ये बोलता है इंडिया इज द बेस्ट, तो ये बड़ी बात है हमारे लिए। वहाँ पर तो काफी प्रमोशनें मिल रही हैं, फ्री स्टाइल कुश्तियों को तो काफी प्रमोशनें मिल रही हैं, तो ऐसे में ग्रीको रोमन आपको नहीं लगता जैसे लेडीज का 3 वेट रखा आपने, तो ग्रीको रोमन की भी 1-2 वेट होने चाहिए? ये आपका सवाल बहुत ही जायज है, क्योंकि ग्रीको रोमन स्टाइल की कुश्ती भी ओलंपिक में है और इसके दंगल भी कम होते हैं, और यह कह लीजिए कि उनको अवसर कम मिलता है। इस पर हम लोग बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं, लेकिन जैसे आपने देखा होगा किसी ने सवाल उठाया था कि ग्रीको रोमन की जो कुश्ती डाउन है इसका जिम्मेदार कौन, तो आपको मालूम है कि ग्रीको रोमन स्टाइल की कुश्ती ना तो पहले हमारे यूनिवर्सिटी गेम में थी और ना स्कूल गेम में थी, जिससे बच्चों को चुनने का मौका नहीं मिलता था। जब आकर के एक अवसर उनके हाथ से निकल जाता था, उम्र निकल जाती थी, तब ग्रीको रोमन में जाते थे। अब आज ग्रीको रोमन का एक ऑप्शन मिल गया है स्कूल गेम में भी, हम ही लोगों ने करवाया और उस समय सतपाल पहलवान थे, उन्होंने भी हमारा सहयोग किया और यूनिवर्सिटी में भी कराया। लेकिन आपका बहुत सवाल जायज है, अभी मेरे पास इसका उचित उत्तर नहीं है, लेकिन उस पर भी हम लोग बहुत गंभीरता पूर्वक विचार कर रहे हैं। हेलो, बता भी चुके हैं कि आप स्पोर्ट्स में पहले भी कुश्ती में रहे, सर हिंदुस्तान में जो हमारे को अभी तक मेडल्स मिलते हैं वो उम्मीद अधिकतर कुश्ती से रहती है, तो क्या आप आने वाले समय में आप इस बार कुश्ती के जी दंगल से भी जुड़ रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं कुश्ती को लेकर, क्या और भी जितने स्पोर्ट्स हमारे हैं उनको लेकर कुछ ऐसा ही प्रयास आप संसद में करेंगे और सरकार की, क्योंकि आप अंदर भी हैं, ताकि हमारे जो गोल्ड मेडल्स हैं वो बढ़ सकें और अन्य क्षेत्रों के अंदर भी? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आपने अगर मेरा सत्र देखा होगा हम लोगों का, तो उसमें मैंने स्पोर्ट्स पर बच्चों पर बात भी की थी और काफी उस पर बिल पेश करने की भी बात हुई थी। आई हैड अ लॉन्ग स्पीच फॉर 7-8 मिनट्स और उसमें हमने सिर्फ स्पोर्ट्स के बारे में बात की थी कि ये बच्चों से एक तो क्या है कि एक तो नशा से आप दूर रहते हैं स्पोर्ट्स से। देखिए बहुत बेसिक्स में बातें करना चाहता हूँ। आप अपने यूथ को या अपने घर के बच्चों को नशे से, शराब से, सिगरेट से, ड्रग्स से, इससे सबसे पहले दूर करते हो, तो ये चीज आपके लिए बहुत है। प्रधानमंत्री जी हमको ऐसे अद्भुत मिले हैं कि वो खेलो इंडिया ही उन्होंने पूरा जोर दे दिया, और हम लोगों के पास जब ऐसे खिलाड़ी हैं जो लोगों ने वहां पर वो जमीन छूकर और वो पदक जीत कर भी ले आए, तो अब उम्मीदें जागी हैं। धन्यवाद दूंगा मैं अपनी इंडस्ट्री को भी, जिसकी वजह से मैं पूरे देश में जाना जाता हूँ, बॉलीवुड इंडस्ट्री में, कि वहां पर सलमान खान ने भी फिल्म बनाई, आमिर खान साहब ने भी फिल्म बनाई, तो बॉलीवुड भी इसमें पूरा इस स्पोर्ट्स को लेकर कुश्ती को आगे बढ़ रहा। सिनेमा आप देख रहे हैं भाग मिल्खा भाग भी आई, बॉलीवुड भी अपना दायित्व निभा रहा है, उससे भी हम लोगों को बहुत फायदा हो रहा है, कुश्ती को और सम्मान भी मिला। यू नो बहुत असर करता है सिनेमा, समाज का आईना,
तो हम लोग जरूर, हम सांसद जी या पूरा पार्लियामेंट डेफिनेटली स्पोर्ट्स को लेके या उसको पढ़ाने के लिए हम लोग हमेशा आगे रहेंगे, क्योंकि हम लोग जिंदगी बढ़ा रहे हैं। हम लोग एक तो पहली अच्छी सेहत दे रहे हैं, हमारे भारत को मजबूत कर रहे हैं, और अवार्ड ये सब जब पदक आते हैं तो हम लोगों का सीना बहुत चौड़ा होता है 130 करोड़ की आबादी का। तो ये जरूर जहां भी स्पोर्ट्स की बात आएगी पूरा देश खड़ा रहेगा इसको आगे बढ़ाने के लिए। हम तो अब देश के साथ ही, देश नहीं हम लोगों को सांसद बनाए, तो डेफिनेटली आई विल बी ऑलवेज देयर रेडी फॉर द गेम। एक सवाल और, हमारे देश का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। हम लोग सुनते थे कि राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस देश का कोई राष्ट्रीय खेल अब तक नहीं है। तो क्या लोकसभा में कुश्ती को राष्ट्रीय खेल घोषित किया जाए? पूरी तरह समर्थन है भैया, पूरा पार्लियामेंट आपका। तो भाई क्योंकि मैं उठाऊंगा तो बात होगी कि कुश्ती वाले कुश्ती उठा रहे हैं, तो मैं चाहूंगा रवि किशन जी सवाल को उठाएं। और आप अभी मत उठाइए, 3 मेडल 4 लेकर के आवे तब उठाइए, लेकिन करवा दीजिए और वो समर्थन करिए। ये पक्का है। दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के पेरेंट्स के जो अभी ख्यालात चलते हैं वो कुछ ऐसे हैं कि अपने बेटे को इंजीनियर्स बनाना चाहते हैं, डॉक्टर्स बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या मैसेज आपकी तरफ से रहेगा उन पेरेंट्स को जो दंगल की तरफ, इस तरह कुश्ती की तरफ लेके आए? क्या देखिए, बहुत अच्छा सवाल कहा कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे माता पिता हर जितने भी यहाँ बैठे, दे ऑल वांट कि हमारा बच्चा डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस या इंजीनियर बने या कुछ अच्छा कमाए धमाए, कुछ एक सिक्योर्ड लाइफ हो। लेकिन आप देख रहे हैं इस देश में देहात 80% देहात है, ये भारत में। यहाँ के पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं, सबके अपना अपना, सबको अधिकार है हम लोग स्वतंत्र भारत में। लेकिन मैं ऐसे ऐसी जगहों पर गया हूँ, शूटिंग किया हूँ जहां पर कोई नहीं जाता, मैं ऐसे ऐसे देहात में भी गया हूँ इस देश के, और वहां पर उनकी रीच ही कुछ नहीं है। उनके पास अच्छा शरीर है, कठीला बदन है, लेकिन उनके पास उम्मीदें नहीं है। उनके लिए मुंबई दिल्ली एक सपनों की तरह, जैसे हम लोगों के लिए पहले दुबई हुआ करता था या अमेरिका एक सपना लगता था, उसी तरह उनके लिए मुंबई, हम कितनों को ऐसे जानते हैं जिन्होंने दिल्ली नहीं देखा है, जो भारत में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, झारखंड में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, राजस्थान के बॉर्डर पे रहते हैं, उन लोगों को पता ही नहीं कि ये शहर है कैसे, यहाँ आया कैसे जाता है अभी भी इस देश में। ये सपना उन लोगों का पूरा होगा, ये उन माता पिता लोगों के लिए, उन गरीब बच्चों के लिए जिनके पास कोई चारा ही नहीं है, इनके पास शरीर है, जवानी है, लेकिन उसको किस रुख में ले जाए वो रुख नहीं पता। बहुत से ऐसे हैं जो चाहते हैं कि कुश्ती में आए और पहलवानी करें, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स ये चीज देखते हुए भी उसको हटा देते हैं, कहते हैं कि उसमें फ्यूचर नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, इससे बढ़िया आप आईएएस की तैयारी करो। कितने आईएएस बनेंगे, कितने आईपीएस, सब तो नहीं बन सकते हैं, कितने डॉक्टर्स बनेंगे, सब तो नहीं, कितने इंजीनियर्स बनेंगे, सब तो नहीं, सबको कुछ, जैसे मैं सिनेमा में भी कहता हूँ कलाकार भी बनिए आप, वो भी प्रोफेशन है, कुश्ती भी प्रोफेशन। आज ये लोग मॉडल से कम थोड़ी है। आज देखिए ना, अभी मुकुंद जी अभी हमसे कह रहे थे कि पूरे मीडिया को घेर लिया, ये सारे स्टार्स, ये भी एकदम साधारण परिवार से ही सब आए हैं बच्चे, लेकिन आज ये लोग स्टार हैं इस देश के। तो ये सामने खड़े माता पिता इनको